साथियों नमस्कार। कई बार हम ऐसी समस्या से जूझते हैं कि हमारी गाय भैंस के एक थन में से दूध जो है वो कम आ रहा होता है। हम बहुत सारा इलाज करवा लेते हैं उसके बावजूद सफलता नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक थन में से या दो थन में से दूध कम आता है, या उसमें से चितड़े आते हैं, या उनमें से पानी आता है, या खून आता है, जो बहुत सारे प्रयास के बावजूद रुकता नहीं है। आप पशु चिकित्सक से इलाज करवाते हैं, पशु चिकित्सक महोदय पूरा अपना प्रयास करते हैं, उसके बावजूद ये समस्या हल नहीं होती। तो एक ऐसा तरीका आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और सभी को पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ, कल एक पशुपालक भाई ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि सर बात ऐसी है कि मेरी गाय जो है वो 5 दिन में बच्चा देने वाली है और उसके 2 थन जो है वो खराब हो चुके हैं। पिछली बार हमने बहुत सारा इलाज करवाया उसके बावजूद ठीक नहीं हुए हैं, सर मैं क्या करूं, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि थन ठीक हो जाए। और इतना मजबूर मैंने अपने आप को पाया कि अभी इसका इलाज होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो इसलिए मुश्किल है कि अगर वही पशु चिकित्सक, वही पशुपालक भाई काफी टाइम पहले मिले होते और समय पर अगर इलाज हो जाता तो हम उस थन को बचा लेते। किस तरीके से, देखिए इसका उपाय क्या है। जब भी ऐसी कंडीशन, तीनों स्थितियां, थन में से पानी आने लग गया, दूध बिल्कुल सूख गया, दूध कम आ रहा है, चाहे एक थन में है या दो थन में है, ऐसी अवस्था में हम ऐसे थनों को ठीक कर सकते हैं। किस समय? जब वो दोबारा गाभिन होती है और 2 महीने शेष रहते हैं उसे बच्चा देने में, या 1.5 महीना शेष रहता है उसे बच्चा देने में, उस समय उसका इलाज होता है। और इलाज की शुरुआत कब होती है वो आपको हमेशा ही पशु चिकित्सक से ही करवानी है। और कब करवानी है? जब आप ड्राई कर रहे हैं, जब आप उस गाय को, उस भैंस को जिसके थनों में दूध की जगह पानी या दूध कम आ रहा है, थन खराब है, उसको जब आप ड्राई कर रहे हैं उस समय उन दोनों थनों में दवा जरूर डलवाएं, और ऐसी दवा डलवाएं जो लॉन्ग एक्टिंग हो, यानी काफी दिन तक काम करने वाली हो। तो वो दवा आप अपने पशु चिकित्सक की मदद से अंदर डलवाएं, उन्हीं से ये काम करवाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किस समय? जब आप ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक बार आपको दवा और डलवानी पड़ेगी, और वो डलवानी पड़ेगी बच्चा देने से 1.5 महीना पहले, यानी 45 डेज पहले। फिर एक बार और करवानी पड़ सकती है, वो अगर आपके पशु चिकित्सक रिकमेंड करे तो करवानी है, अदरवाइज आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो होती है बच्चा देने से 1 महीने पहले। अगर आप बच्चा देने के 15 दिन पहले पहले ये काम करवा लेते हैं तब तो है कारगर, अदरवाइज अगर समय नज़दीक आ गया उसके बाद आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को आप पशु चिकित्सक की मदद से फॉलो करवाइए। अपने जो खराब से खराब थन है, जिन पर बहुत सारा प्रयास पहले किया जा चुका है, किसी भी तरीके से उन्हें ठीक नहीं किया गया, तो भाई ये एक अंतिम मौका है जब आप उन खराब थन को भी ठीक कर सकते हैं। बस पशु चिकित्सक महोदय से मिलिए, और ड्राई करते समय इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न, उसके बाद जब 45 डेज बचते हैं तब, और 1 महीना बचता है तब, या 15 दिन से, ये तय करेंगे आपके पशु चिकित्सक। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।